नमस्ते आऊं प्रज्ञा स्त्रोत्रा सिद्धि लगी तुसे सारे लोकां दा मता मता मलार करनी आ। किश्तवाड़ दा एक ग्रां द्रुबील, द्रुबील दी कुछ वीडियो जिहड़ी है ओह साडे सामने आई है और ओह वीडियो च एक स्कूल दस्से रहा है। उस स्कूल दी की हालत है तुसीं मैं दसगी और उस तों पहले मैं तुसीं इह दसगी कि युवा जिहड़ा होंदा ना ओह साडा आने वाला कल है, साडा आने वाला भविष्य है। इहे बच्चे जिले वड्डे होईए पढ़ी लिखिए कुछ बनी जाए तो साढ़े के काम आने ना, साढ़े देश के काम आने और साढ़े अग देश की अगे ले जाने वाले इयो बच्चे ने। पर उन बच्चों का स्कूल ऐसा हो या उनके क्लासरूम ऐसे हो या उन्हें फैसिलिटी अगर यो अं प्रोवाइड करा दे, अगर सरकार ने यो स्कूल बनाए दे जिते कमरे खाली दो गए हो, ठीक है, तो स्कूल पंजवीं तक हो जिते फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ के सारे बच्चे इकट्ठे के बिठा रहे हो और टीचर उत्थे सिर्फ एक गए हो, एको मास्टर हो उत्थे और अपने टाइम उपर आ दा हो तो अपने टाइम उपर वो जा दा हो और बच्चे ही उन्हें लाया दा हो स्कूल के कमां ताईं ना कि पढ़ाई ताईं, तो उस बच्चों का के भविष्य हो या साडे देश का अगे के भविष्य हो। पहले तो ही मैं उस स्कूल की वीडियो दसनी हाँ फिर गल करने। हेलो गाइस, ये जो है यहाँ पे पंचायत होड़ना में हम विलेज हरने में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम एक स्कूल में मिडिल प्राइमरी स्कूल में पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पे ये स्कूल बनाया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये देखिए स्कूल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। आज तो छुट्टियों का वेकेशन पड़ी हुई है, समर वेकेशन पड़ी हुई है, तो आप ये देखिए यहाँ पे दीवारें कैसे हिल रही है, कितनी कच्ची कच्ची दीवारें बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं इसको। अगर अगर थोड़ा सा हिल गया तो कहीं ये स्कूल गिर गया तो कहीं बच्चे को नुकसान हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ये वाली दीवार भी कमजोर है, ये भी हिल जाती है हिलाने से। आप देखिए बच्चों के लिए बाथरूम बनाए हैं, बच्चों के लिए बाथरूम बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या हालत है, अगर कल को कोई बच्चा किसी का नुकसान हुआ तो यहाँ पे जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पेशाब करने आते हैं, बाथरूम जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं पूरा ये कबाड़ा बन चुका है इधर, कबाड़ा बन चुका है। यहाँ पे देखिए जो बाहर से दीवार इतनी कमजोर होगी तो अंदर बच्चा पढ़ने जाए, देखिए क्या हाल थे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे, कितनी गंदगी है। फिर बोलते हैं बच्चे बीमार थे, बीमार होंगे इधर क्यों नहीं होंगे, पानी के बगैर कोई पानी शानी नहीं है इधर, ये देखिए हालत। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, क्या फायदा है ऐसी चीजों का जिससे हमें फायदा नहीं हो, इसलिए हम तो हम डीसी किश्तवाड़ से ये अपील करते हैं कि कृपया करके इस बाथरूम को यहाँ पे देख, यहाँ से देखिए आप, देखो यहाँ का हाल, यहाँ का हाल देखिए यहाँ पे। फिर से कल को कोई बच्चा यहाँ पे मर जाएगा, आ जाएगा, किसी को नुकसान हो सकता है, क्या स्कूल गिर सकता है, स्कूल गिर सकता है। फिर बोलते हैं गवर्नमेंट की आप ऐसा नहीं करते, गवर्नमेंट तो सब कुछ देता है हमें, मगर ये लोगों की देखिए दरवाजे देखिए टूटे फूटे सारे, टूटे फूटे नीचे नीचे, ये देखिए ये देखिए यहाँ से क्या हाल है, गंदगी है, गंदगी स्कूल स्कूल की बड़ी, और ये देखिए ये स्कूल की क्या हालत बना के रखी है, ये देखिए। तो आप ये यहीं पे आइडिया लगा सकते हैं कि हम इतने बड़े बड़े होकर हम लोगों को डर लगता है कि ऐसे देखिए ये पोल कैसे, अगर कल को कोई बच्चा इसको छेड़े तो यहाँ पे ये दीवार गिर जाए तो बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, यहाँ पे पूछताछ की जाए कि यहाँ पे ये ठेकेदार था, कौन से ठेकेदार था यहाँ पे जरूरी, खाली घर बनाया है इसको, खाली रेत लगाया, खाली रेत लगाई है। तो कृपया करके डीसी किश्तवाड़ से मैं अपील करता हूँ कि कृपया करके जांच कर ले, ये विलेज हरनी पंचायत होड़ना ब्लॉक मुगल मैदान किश्तवाड़ पाया जाता है, ठीक है, करते हैं हम। और ये देखिए कैसे हिल रहा है ये पूरा ये कबाड़ा है सर। हेलो गाइस, प्लीज शेयर करना इस वीडियो को और जल्दी से जल्द करवाई। स्कूल हालत तो है दिखी, स्कूल के बाथरूम से तो है हालत दिखी, किन्नी खस्ता हालत है, लंघने की जगह नहीं है और कुसे वेले भी छत जड़ी और डिगी सकती है। निके निके बच्चे उत्थे पढ़ते हैं कि अहें इस स्कूल च पढ़ी लिखी अपना भविष्य बना के अपने माँ प्यो का नाँ रोशन करिए, अपने किश्तवाड़ का नाँ रोशन करिए, तो अपने जो देश का नाँ जो रोशन करिए, जम्मू कश्मीर का नाँ रोशन करिए। पर साड़ी सरकार ने इन्ने सोहने स्कूल बनाए ने जिते बच्चे ये बैठिए पढ़ी सकते। किश्तवाड़ के लीडर बड़िया गल्लां करते हैं, इं तो वैसे सारे के साथ जम्मू कश्मीर के हर जगह के लीडर गल्लां करते हैं, पर किश्तवाड़ भी कोई घट नहीं है, गल्लां भी बथेरिया करते कि अस भाई ये करना, अस वो करना है, ये किया या वो किया, ये लभा नहीं तुम्हारी करतूतों तुम्हें के किया, तुम्हें निके निके बच्चों ताई एक ढंगा स्कूल नहीं बनाई सकते। फिर तुम आखते कि बच्चे साड़ा भविष्य है, भाई बच्चे ने पढ़ाना है, बच्चे ही अगे बधाना है, ये फैसिलिटियां तुम प्रोवाइड करा रहे गौरमेंट स्कूलों से, गौरमेंट स्कूलें तो क्या प्राइवेट स्कूलों से तो चलो गल बखरी है, वह फीसा भी उस हिसाब की लेंदे ने, तो थोड़ा बहुत वो मरम्मत जी कराई रखते हैं, पर गौरमेंट स्कूलों से तुम्हें पता कि जिन्ना भी साड़ा
मतलब लोग ने साढ़े जम्मू कश्मीर दे जेड़े कट इनकम वाले ने जिंदे जो नहीं ना बच्चे ही अपने पढ़ाई सकदे या अपने प्राइवेट स्कूलों च भेजी सकदे ना ओह मैक्सिमम कोशिश करते कि साढ़े बच्चे जेड़े ना सरकारी स्कूलों च पढ़े। जम्मू कश्मीर दे अद्धे कोला ज़्यादा बच्चे ने जेड़े सरकारी स्कूलों च पढ़ते हैं तो जिते अद्धे कोला ज़्यादा साढ़ा आने वाला भविष्य जेड़ा सरकारी स्कूलों च पढ़ा रहा उन सरकारी स्कूलों की यह हालत है कि दरेड़ा पे रही कुछ वेले भी कुछ हुई है खुदा ना खासता कल कोई भूचाल आई है ये सारा किश उपर पई है तो साढ़ा भविष्य तो गया किन्ने बच्चे जड़े ने वह नास ही आने किन्ने किन्ने के घर जड़े ने वह नास ही आने। किश्तवाड़ के लीडर रोने वाले किश्तवाड़ के गल्ला जाइए कश्मीर की करते ना तो तुम अपने इलाके की करतूत नहीं लभा दी तुम करा दे के